come on, come on! Priya! Come on, Shiki! Come on, Priya! Come on, Priya! Let's go! Majid guy, I won! Yeah, good, that's nice, yeah. Majid kya? What? लगता है अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया, पागल हो गया है। इसे दिख ही नहीं रहा कि मैं विनर हूँ। May I have the pleasure to announce the winner? The winner for the musical chair is Priya Sen. Yay! I told you so. Yeah. जूजू, आपकी स्वीटी पाइ कितनी बड़ी बेवकूफ है, खाली चेयर पर बैठ के खुश हो रही है। मैं तब तक जूजू की गोद में बैठी हूँ। तो बताओ असली विनर कौन है? अदृश्य शक्ति। विनर चाहे कोई भी हो, लूजर सिर्फ एक है, मैं। उससे पहले कि उन्हें पता चल जाए, प्लीज यहाँ से उठ जाओ, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए उठ जाऊंगा। हाँ सॉरी। थैंक यू। I'm so happy for you, my sweetie pie. Thanks, Vicky. Yeah. I told you so, hai na? Hello? Huh? Kya? Kamal ki news diye Chopra ji. Haan, of course, main aa raha hoon. Are, aap yun samajhiye ki main nikal chuka hoon. Thank you. Yeah. Hey, boys. Listen, सुनिए, everybody please come. Okay, boss is coming. चलो। Hey, what happened? क्या हुआ प्रताप? क्या हुआ सर? वही जो आज तक नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब कल से दिन में चांद निकलेगा और रात में सूरज? ओ शायद आप बेला। I'm sorry sir. मेरे पास आप लोगों के लिए दो खबरें हैं। एक अच्छी और दूसरी बुरी। पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? जाहिर सी बात है सर, बुरी है? बाद में सुना देना, पहले अच्छी वाली सुनाइए ना। है? अच्छी खबर ये है कि अभी अभी चोपड़ा साहब का फोन आया था। कौन से वाले चोपड़ा सर? भगवान झूठ न बुलवाए, प्रेम चोपड़ा। वेला, एविएशन मिनिस्टर के सेक्रेटरी चोपड़ा साहब का फोन आया था और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें इंडिया के 5 प्राइवेट एयरलाइंस के मालिकों को बुलाया है। तो इसमें आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं सर? बेवकूफ वेला, हमारी प्रिया एयरलाइंस टॉप 5 एयरलाइंस में से एक है जिसका मैं मालिक हूँ। थैंक यू। प्रताप बाबू, आप इतना तरक्की कर रहे हैं, हम छोटे लोगों को भूलना नहीं। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर गांगुली, मैं वो कभी नहीं भूल सकता और आप तो प्रिया एयरलाइंस का एक हिस्सा है। सच कहूं सर, तो हमें ये पोजीशन इसलिए हासिल हुई है क्योंकि प्रिया एयरलाइंस ने लंदन एयरलाइंस के साथ हाथ मिला लिया है। और जिसका सारा क्रेडिट जाता है विकी तुमको। अरे यस यस। और थोड़ा मुझे भी। अच्छा सर, वो बुरी खबर कौन सी थी सर, सुनाई नहीं आपने? उसी पे आ रहा हूँ भाई। बुरी खबर ये है कि ये कैंपिंग छोड़ के मुझे जाना होगा। What? No, Dad, अब ऐसे नहीं कर सकते। Come on, प्रिया बेटा, understand? मुझे next flight पकड़ के अर्जेंट दिल्ली पहुंचना है मीटिंग के लिए। But Dad, आपके बिना मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। अरे हाँ बॉस, प्रिया मैडम एकदम सही कह रही है, प्रिया मैडम एकदम अकेली हो जाएगी। मैडम को भी अपने साथ लेके जाओ, बैग पैक करवा दू। नेवर, प्रिया कहीं नहीं जाएगी। प्रिया यहाँ पर अपनी कैंपिंग पूरी करेगी, क्यों विकी? हाँ सर, डोंट वरी सर, आप नहीं है तो क्या हुआ सर, मैं हूँ ना। जूजू को भी ना और कोई काम धंधा नहीं है, हमेशा तीखी मिर्ची की चमचागिरी करते रहते हैं। मिस्टर पुनीत, प्लीज टेक केयर ऑफ द गैंग, ओके? ओ बॉस, डोंट यू वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बेफिक्र होके जाइए, आपकी गैर हाजिरी में मैं सबको संभाल लूंगा मामू की तरह। मामू? 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 आमिर?
उसका भांजा इमी इमरान वो उसको संभालता है ना, इसी तरह मैं सबको संभाल लूंगा। अच्छा पुनीत, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं बस लेकर जाता हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करके आपको वापस भेजता हूँ। नो प्रॉब्लम बॉस, बी माय गेस्ट। बाय डैड, रियली मिस यू। मी टू। वैसे जिगी, इट्स वेरी सैड, पर अब बस जा रही है तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा ना, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे, तो तुम्हारी बैकपैक करवाऊं? देखिए मिर्ची, इतनी आसानी से तुम मुझे यहाँ से भेज नहीं सकती। जिग्गी कहीं नहीं जाएगा, जिग्गी कहीं नहीं जाएगा। अरे कमाल करते हो तुम लोग। अरे मैं अकेला बस लेकर जा रहा हूँ तो उसमें जिग्गी क्या कर सकता है बताओ? हाँ, वो क्या ड्राइव करने वाला है? जिग्गी तुम यही रहोगे, एंड दैट्स एन ऑर्डर, समझे? अपने बड़े सपने को कभी छोटा मत होने देना और अपने गुरु विक्की के साथ हमेशा रहना। जो हुकुम मेरे बॉस। ओके छबरी। जी सर। मेरा बैग लेके बस में आ जाओ। जी। एनीवे एंजॉय योरसेल्फ एंड बाय बाय। बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट। बहुत टेस्टी खाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मजा आ गया, भूख बहुत लगी थी। ट्राई दिस दाल, ट्राई द दाल, दाल डॉक्टर, ट्राई द दाल। अमेजिंग, अमेजिंग। जंगल जैसे जगह में आपने खाने का इतना बढ़िया बंदोबस्त किया है पुनीत बाबू, हैट्स ऑफ टू यू। है ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि हवाई हो या हवाना, गाना हो या खाना, जैकी एंड पुनीत आर द बेस्ट। ये खाना कैसा है? फीका है, बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है। Really? मुझे तो नहीं लगा। क्यों, अच्छा खासा तो है। तुम्हें यार कुछ चीज पसंद नहीं आती? अच्छा, तीखी मिर्ची को तीखा खाना खाना है, अभी खिलाती हूँ और मजा भी चखाती हूँ। तीखा, तीखा, अरे कोई पानी, पानी, पानी। ये कैसे हो गया? अभी इतना तीखा लग रहा था और अब अचानक फीका लग रहा है। I said it. बेबी वो खाने में मिर्ची आ गई होगी ना, इसीलिए। और तुमने नोट किया, यहाँ पानी मैंने पिया, मुंह जलना तुम्हारा बंद हो गया। इसे कहते हैं दो जिस्म एक जान। कितना प्यार करता है विक्की हमारा अपनी स्वीटी पाई से, है ना जिग्गी? अरे भाई चतुर जी दिखाई नहीं दे रहे, बहुत देर से कहाँ गए? ओ यस दुर्गा भाभी, मिस्टर गांगुली किधर गए? भाई तो चतुर किधर गया, नजर नहीं आ रहा। निश्चय अपना दूरबीन से चिड़िया खोजने के लिए गया। आप लोग रुको, हम बुला के लाते हैं। आप बैठो, आप बैठो, यहीं से आवाज दे देंगे, अभी आ जाएंगे। अरे चतुर जो, मिस्टर चतुर। ये आवाज क्या है, कौन दिया, कहां से आया? ओ मगो, जंगल है, कहीं कोई भागवान तो नहीं? ओ हमारा पेट का आवाज है, भूख का आवाज है। पेट में चूहा भाग रहा है, उसका पीछे बिल्ली भाग रहा है। किंतु अभी तक खाना क्यों नहीं लग रहा? अभी तक चतुर जी नहीं आए, कहीं उन्हें कोई भालू वालू तो उठाने नहीं लगा? ए भेल्ला, तुम क्या बोलता है? अरे चतुर को भालू देखेगा तो भालू खुद डर जाएगा। एकदम सही कहा आपने दुर्गा भाभी, एक भालू कभी भी दूसरे भालू को नहीं उठाता। तुम हमारे साथ जोक करता है ना? पर एक चीज तो ठीक है, एक दिन खाना नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे भी खाना खा खा के हाथी जैसा हो गया है। हाथी?
पता नहीं किसका विकेट गया। अब सब ठीक है। अच्छा है, अच्छा है। अरे बाप रे बाप, हाथी आ गया। ए, रिलैक्स रिलैक्स, नो नीड टू पैनिक। यहाँ के हाथी बहुत फ्रेंडली होते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आई अश्योर यू ऑल, ये यहाँ ऐसे ही खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। भाभी, ये एकदम चौतू जैसा नहीं लग रहा? भीगी, तुम भी भीगी के साथ रह, लेकिन एकदम जोकिला हो गया है, जो मारता है। डिक्कू बाबा, कह दो कि तुमने ये नहीं किया। डुका, अरे इधर आओ। अरे हम हाथी बन गया है रे। ए रे, हमारा आवाज भी एकदम हाथी जैसा हो गया है। उड़ी बाबा, अब की करेगा हम? हाँ मामा मिया, भूख लगी है। ओ क्यूटी पाई, विद माय एक्सपीरियंस इसको भूख लगी है और ये हमसे दोस्ती करना चाहता है। अरे कितना कितना मस्त प्राणी है यार, इतना बड़ा। तुझे मालूम है बेला, हाथी सबसे समझदार प्राणी है, वो कभी भी कोई चीज नहीं भूलता। हाँ हाय डॉक्टर बाबू, हम लोग साहब कितना लाकी है, हम जंगल में आया और हमको हाथी दिखा। काश हमको शेर और चीता भी दिखता, कितना मजा आता, कितना मजा आता ना। है ए दुर्गा भाभी, तुमको शेर और चीता भी देखना है? क्या है? नहीं ए बीती दिखा। अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे? अरे तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे जिग्गी तुम्हारे सामने शेर चीता लाकर रख दे। अरे जिग्गी का कोई भरोसा नहीं है, ये ला भी सकता है। नहीं मतलब बेला, डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि यहाँ शेर और चीता तो आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकता? अरे क्योंकि यहाँ तो हाथी है ना, हाथी को देख के सब भाग जाएंगे। ठीक कथा बोला तुम। चतुर जी कहाँ है? मुझे क्या पता। चतुर जी कहाँ है? देखो अब की चतुर जी कहाँ है? देखो अब की चतुर ये चतुर जी। चलो इनको नॉर्मल बनाओ, इंसान बनाओ फिर से। हाँ तो ना, देखो ना सबको कितना मजा आ रहा है। और वैसे भी उस चतुर के आसपास कौन घूमता था? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चतुर जी को फिर से इंसान बनाओ। चलो ठीक है जूजू, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हो तो इस हाथी को सबके सामने मैं चतुर बनाऊं। हाँ ठीक है, क्या बिल्कुल एक काम करो, हाथी को इनसे जरा दूर ले जाओ और बाद में उसमें से चतुर जी को बाहर ले आओ। बाहर ले आओ? बाहर ले आओ। अरे ये तो जा रहा है। अरे भाई इसका पेट भर गया, ये वो जा रहा है। अरे यार बाय बाय। अरे वो कहाँ गया, उसको नॉर्मल तो बनाओ। कैसे है, क्यों होना है? हम हाथी बन गया, पंचा दर्जन केला खा गया। आई हेट केला मायरी। किंतु ये सब हुआ कैसे? माने चतुर गांगुली एलिफेंट गांगुली बन गया अपने आप, और फिर एलिफेंट गांगुली माफी चतुर गांगुली बने गलो, अब वो भी अपने आप। समझ गया, उस तो गंडोगोल है। माने माने ये भूत इधर ही किधर आसपास है, और शायद हम जानता भी है कि ओ भूत कौन है। कुछ भी हो जाए
आज तो हम उसको पकड़ के छोड़ेगा, देख लेना। एनीवेज अब हम सब कुछ खा ले, खाना जैसा भी हो पेट तो भरना पड़ेगा ना। यस यस प्लीज प्लीज। अब स्वीटी पाई कहाँ गया? स्वीटी पाई कमिंग बेबी। हाय भीकी। स्वीटी पाई या बेबी या बेबी। स्वीटी पाई कहाँ रह गई थी तुम? मैं फ्रेश होने गया था, फ्रेश होने। अच्छा चलो खाना खाते हैं। हाँ हाँ खाना खाते। कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 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 चतुर, तुम किधर जा? अरे भाई कितनी आवाजें दी तुमको मालूम है? Where were you, Mr. चतुर? किधर गायब हो गए थे आप? अरे बोल के तो जाना चाहिए था ना। आपको पता है आपके जाने के बाद यहाँ हाथी आया था। चतुर, वो हाथी तो क्यूट था ना, हम उसका नाम चतुर रख दिया था। आपने कितना मजेदार मौका मिस कर दिया, you don't even know that। अरे चुप करो मायरी। शबाल पे शबाल, शबाल पे शबाल, जवाब तो देने दो। मिस्टर भिल्ला, हम कुछ मिस नहीं किया है, हमको सब पता है। कितना मजेदार था वो बेचारा हाथी का, तुम पूंछ खींचा, कान खींचा, कौन केला ठूसा, कौन नाचा, कौन गाया, हमको सब पता है मायरी। अरे आपको कैसे पता, आप तो यहाँ पर थे भी नहीं। हाँ, हाँ। अरे डॉक्टर बाबू, हम यहीं थे क्योंकि वो हाथी हम ही थे। What? चतुर, तुम फिर से बोका बोका बात करता है नन्ना। वो हाथी तुम था? हम ही थे दुर्गा, हम ही थे हाथी। Just because दुर्गा भाभी ने बोल दिया कि हमने उस हाथी का नाम चतुर रख दिया, आप खुद को हाथी समझने लगे। मिस्टर चतुर गांगुली, अगे आप प्लीज खाना खा लीजिए और बाद में सबके सामने दिमाग का गोली खाइए। नहीं खाएगा दावा हम। और खाने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकता है। अरे कितना सारा केला ठूस दिया आपने हमारे अंदर। दुग्गा बोलो सबको, आई हेट केला। डॉक्टर बाबू, हमारे ये पोती कभी ना कभी तो ठीक होगा ना? है? हम जिंदगी भर इंतजार करेगा इसका ठीक होने का, सत्य बोलछी। अरे दुग्गा हमको हुआ क्या है बोलो? अरे तुम्हारे दिमाग में असर हुआ है। अरे हमको कुछ नहीं हुआ है, सब पागल यही बात बोलता है। हमको पता था आप लोग मेरा बात पे यकीन नहीं करेंगे। और हमको ये भी मालूम है कि हमको हाथी बनाने के पीछे किसका हाथ था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.